आपने कैमरा वैमरा उनकी थोड़ा सा उड़ाओ क्या दे दो जिसको बुरा लगे वो जा सकता है मम्मी का तो देखो मम्मी साफ सो के आ गई इन्होंने मना कर दिया हैप्पी होली लड़की जैसा नहीं शर्मा आ रहा है तुम क्या पीछे छुप रही हो तुम दिख रही हो पीछे से भी हम लोगों ने आज प्री होली हैप्पी होली टू एवरीवन हैव अ वेरी कलरफुल ब्यूटीफुल ब्लास्टिंग होली बट प्ले सेफ सब सेफ खेलना बढ़िया चलिए चलिए रेडी कर आइए जी अरे गाने वाले तो किसी ने बजाए नहीं डांस करने के लिए अमर अमर को नाचते हैं स्पेशल दिन है क्योंकि इसमें सब खुल के रंगों से रंग जाते खुल के सारे गम सब कुछ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस सब कुछ भुला के साथ में मिलके नाचते हैं झूम उठते हैं सो होली इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि बचपन से मैं दिल खोल के खेलती थी उसके बाद ही फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाला था लाइक अप्रैल महीने में बट होली में मार्च में मैं भूल जाती थी कि एक महीने बाद मेरे फाइनल्स है तो बचपन से ही ना ये फीलिंग मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि सारे स्ट्रेस सारे प्रॉब्लम्स को भूल के होली के कलर्स में रंग जाओ और झूम उठो सो होली इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी और इस साल स्पेशल यही होने वाला है कि मैं जर्मनी में रहूँगी और आप लोगों के साथ होली नहीं खेल पाऊँगी इसीलिए होली का सेलिब्रेशन इतना जल्दी शुरू हो चुका है कुछ बताना चाहोगे कि जर्मनी में किस तरह होली का प्लान किया आपने
जर्मनी में मैं कलर तो ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि होली के दिन एटलीस्ट मुझे माइकल को मेरे वुड बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन लोगों को कलर लगाना है, क्योंकि होली ऐसा ओकेशन है. आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नोज अबाउट होली, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी. सॉरी अबाउट माई थ्रोट. वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग होली के बारे में बात करते, दे नो अबाउट दिस ओकेशन. सो इसीलिए मैं इस साल होने वाले सासू माँ ससुर जी और होने वाले पतिदेव के साथ खेलूँगी. मम्मी पापा को मिस करूँगी और आप सबको मिस करूँगी. इसको तो हम एडवांस खेलते हैं, श्रीजिता के साथ एडवांस खेलते हैं. तो मैं आप इसे जानना चाहूँगा, आप कितना मिस करने वाले? मैं तो मिस करूँगी, लेकिन मुझे ये बात का भी बहुत खुश है कि वो इस बार अपने होने वाली सास ससुर और अपने पति के साथ जर्मनी में होली खेलेंगे. उन लोगों को भी एक नया ओकेशन दिखने को मिलेगा. उन लोगों को पता है कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे इंडिया के लिए, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन उन्होंने कभी खेला नहीं. इस बार फर्स्ट टाइम वो लोग श्रीजिता के साथ भी खेलेंगे. नहीं, माइकल हर साल खेलता है. हाँ, मतलब माइकल जब से उनके मम्मी पापा की बात कर रही हो. श्रीजिता, कोई बचपन की कोई यादें होली को लेके? काफी स्पेशली काफी सारी यादें बन जाती है. बहुत सारी. सबसे पहले कलर कौन लगाता होली में? मम्मी. आशीर्वाद लेने के बाद मम्मी और पापा, हमेशा इट्स बीन मम्मी पापा और उसके बाद फ्रेंड्स लोग. और फ्रेंड्स लोग सिर्फ कलर नहीं लगाते थे, वो सबसे पहले पानी डालते थे. तो होली का मेरा स्पेशल मेमोरी यही है कि हर एक एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था. जो भी होली के लिए स्पेशल कपड़ा होता था कि होली के दिन एक नया कपड़ा पहनना है, तो वो कपड़ा बहुत ही जल्दी लाइक सुबह के 11 बजे तक गीला हो जाता था और हर एक एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था. बिल्कुल 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 मारे हैं, पर ऑब्वियसली मैं हमेशा ही बहुत मुझे लगता है काट दो, कलर भी गया है. रही बात वाटर बलून की, हाँ ऑफकोर्स बहुत बार किया है, बट मैं बहुत हमेशा से सेफ खेलती हूँ. मैं किसी के सर में या आँख में नहीं मारने की कोशिश करती हूँ. वाटर बलून खेलूँगी तो मैं ढूंढ ढूंढ के किसी का पीठ ढूंढती हूँ और पीठ पे मारती हूँ. सबसे पहले कलर लगाऊंगी मैं प्रियंका और शालीन को, और सबसे पहले वाटर बलून मारूंगी मैं शिव को. ऐसे ही शिव के साथ आजकल मेरा कुंदक चल रहा है, ऐं भी कुंदक चल रहा है, तो उसको वाटर बलून मारूंगी एंड आई एम श्योर वो भी मुझे वाटर बलून मारेगा. और शालीन और प्रियंका को कलर, और अब्दू को भी, बट अब्दू इज इन दुबई राइट नाउ. मेरी जर्नी के बारे में मैं सिर्फ अपनी जर्नी के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिला है. बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. वो जो भी वजह से मुझे वापस से जाने का मौका मिला है, इस गेम को, इस खेल को, इस शो को और बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिला है, दैट्स वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल. और मुझे लगता है कि ऑडियंस में जिसके साथ भी मेरी बात हुई, जितने भी ऑडियंस के साथ मेरी बात हुई, सब ने एक ही चीज़ बोली कि श्रीजिता यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेरी डिग्निफाइड. इवन सलमान सर टोल्ड मी वेरी वेल प्लेड, वेरी डिग्निफाइड. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑडियंस ने मुझे ये तरीके से देखा कि मैंने डिग्निफाइड खेला है एंड आई वॉज वेरी वेल, आई वॉज वेरी डिग्निफाइड इन द शो एंड आई प्लेड वेल. सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड रही बात एम सी स्टैंड का, ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट, क्योंकि अगर उसको इतने वोट्स मिले हैं, इतने ऑडियंस के सपोर्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट. और वो बहुत ही जेन्युइन बंदा डे वन से लास्ट डे तक था. अच्छे से हमें ऑप्शंस के बारे में आपने बताया नहीं, आपने हमेशा कहा कि
चीजें जब होगी तब आपको सारे ऑप्शंस बताएगी, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल वाइज टू चूज अ करेक्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ? कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास दो तीन चीज़ों के ऑफ़र आते हैं तब आप कंपेयर करने लग जाते हो, और शायद तीनों कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे बट फिर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने लग जाते हो. सो इट गेट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ द राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम एंड द राइट कैरेक्टर. मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके ऊपर है, आपको जवाब देना है ठीक है नहीं देना है, इट्स ओके, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन अप टू यू. हम कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है होली में. एंड मैंने देखा था बिग बॉस की जर्नी में, आपकी जर्नी में, कि बिग बॉस भी चाह रहे थे यू एंड टीना बैक बिकम अ फ्रेंड्स. तो अगर आपको कभी मौका मिला उनसे गले मिलने का, रंग लगाने, तो आप लगाओगे? इट्स अप टू यू. डजेंट मैटर, क्योंकि वही कल कोई तो इंटरव्यू में मैं बोल रही थी, हम अभी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हम न्यूट्रल है. मतलब फीलिंग्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है. अगर सामने दिख गई, मिल गई और रंग लगाना है तो लगा दूंगी, नहीं है तो नहीं है, इट डजेंट मैटर. अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि शुरू हो जाए और आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ फिर से. तो इसीलिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ भेजिए ताकि जल्दी से मैं एक ढांसू और अमेजिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट शुरू करूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Silence.